हेलो फ्रेंड्स, आज पेप्सी कम कैसे बनाता है सिखा रहा हूँ। सबसे पहले काट लीजिए उसको, इसको नमक दे दीजिए पेप्सी कम को, जितना आपका टेस्ट है। नमक देने के बाद उसको हल्दी दीजिएगा, हल्दी ज़्यादा नहीं, हल्दी थोड़ा सा, ताकि उसमें कलर बैठ जाए हल्दी का। जब आप हल्दी दे देंगे उसके बाद उसको मख लीजिए, मतलब मिक्स कर लीजिएगा पूरा, ताकि पूरा अंदर तक हल्दी और नमक चला जाए। हल्दी नमक जब पूरा अच्छा से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसको क्या करना है मैं दिखा रहा हूँ आपको। इतना टाइम तक अच्छा से इसको मिक्स कर लीजिएगा, जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा है, टेस्ट उतना ही आता है। तो जब आपका सबका अंदर ये अच्छा से मिक्स हो जाए, एक कढ़ाई बैठाइएगा, कढ़ाई में तेल देके गरम कीजिएगा मीडियम फ्लेम में, ये तेल गरम कीजिएगा। उसके बाद एक एक करके अच्छे से छोड़ दीजिएगा तेल में। तेल में जब एक एक करके अच्छे से छोड़ेंगे तो मीडियम फ्लेम लेना रहना चाहिए, ज़्यादा हीट देंगे तो जल जाएगा। तो देखिए वीडियो में ऐसा ऐसा देना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम में देने के बाद इसको ढक देना है, वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स अभी सब रेडी है तेल में, अभी इसको ढक दीजिएगा, जो भी होगा उसे ढक दीजिएगा लो मीडियम फ्लेम में। ढकने के बाद एक मिनट के बाद खोली के देखिएगा, उसके देखने के बाद उसको उल्टा दीजिएगा, उसको नीचे में था उसको ऊपर ले लीजिएगा, ऊपर में जैसे मैं उल्टा रहा हूँ उसको उल्टा लीजिएगा, घुमा दीजिएगा। उसके बाद इसको फिर से ढक देना है लो फ्लेम में, अभी ढक देना है, पहले मीडियम था अभी लो फ्लेम में इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद फिर से उठा के देखिएगा तो आपका ये क्रिस्पनेस जब आ जाए तो समझ लीजिए हो गया आपका ये पेप्सिकम शिमला मिर्च। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतना और भी वीडियो बनाते रहूँगा। तो इसको भात का साथ भी खा सकेगा और खाली खाली भी खा सकेगा। तो फ्रेंड्स जिसको सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए वीडियो बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।